झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने जो तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं।